फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक टी रिंस की। ब्लैक टी रिंस हम अपने ग्रे हेयर को कवर करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक टी के पानी को हम अपने बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और यूज़ करना सिखाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। फ्रेंड्स, ब्लैक टी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ब्लैक टी हमारे बालों को मेलानिन और कैरेटिन का बूस्ट देती है और हमारे हेयर के नेचुरल पिगमेंट को रिस्टोर करने में हमारी हेल्प करती है और ब्लैक टी हमारे ग्रे हेयर्स को भी इफ़ेक्टिवली कवर करती है। जो हर्बल ब्लैक टी है उसमें टैनिन पाया जाता है जो कि DTH हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है और ये जो DTH हार्मोन है ये हमारे बालों के झड़ने की समस्या का कारण होता है। तो ब्लैक टी जो है इस हार्मोन को स्टॉप करती है तो आपके बाल झड़ने से बच जाते हैं। तो ब्लैक टी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आइए देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। एक पैन में आपने एक गिलास पानी लेना है। ये बड़ा गिलास पानी है तो आप इसमें दो कप पानी ले सकते हैं या फिर एक बड़ा गिलास पानी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच ब्लैक टी। याद रहे, ब्लैक टी अलग होती है और जो हम घर में दूध वाली चाय पीते हैं जिसमें हम चाय पत्ती डालते हैं वो चाय अलग होती है। तो इसमें हमने ब्लैक टी लेनी है। ब्लैक टी का एक चम्मच मैंने इसमें डाला है और इसको आपने अच्छे से गर्म करना है और कम से कम 2-4 मिनट इसको अच्छे से उबलते रहने दीजिए ताकि जो पानी है वो आधा रह जाए। और आधा रहने के बाद जब पानी आधा रह जाएगा तो आप देखेंगे कि पानी का कलर डार्क होता जा रहा है तो आपने इसको बंद कर देना है और बंद करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद आप इस ब्लैक टी के पानी को एक गिलास में डाल लें और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि आपके बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। और ब्लैक टी रिंस जो है वो हम यूज़ करेंगे आफ्टर शैम्पूइंग। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने अपने बालों को नॉर्मल वॉश करना है जैसे आप करते हैं और शैम्पू करने के बाद आपने इस ब्लैक टी के पानी से अपने बालों को रिंस करना है। ठीक है, शैम्पू करने के बाद आपने अपने बालों में इस पानी को डालना है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रखना है। 20 मिनट्स के बाद आपने नॉर्मल पानी से बालों को धोना है और उसके बाद आप इसको एयर ड्राई करें और देखेंगे कि ग्रे हेयर पे थोड़ा सा स्ट्रेन लगा है। और इसको जब आप वीकली 2 टाइम्स यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूस यूज़ से आपके जो ग्रे हेयर हैं धीरे धीरे ब्लैक होते नज़र आएंगे और ये कवर अप हो जाएंगे इस ब्लैक टी के पानी से। और ये ब्लैक टी का पानी आपके हेयर की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, आपके हेयर लॉस को रिड्यूस करता है। तो ये विन विन डील है। इसको यूज़ करना, हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाना बहुत ही ईजी है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस रेमेडी को बनाएं, यूज़ करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आपको ये वीडियो या रेमेडी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।